નમસ્તે, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. હેલો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, હાઉ આર યુ ઓલ? સ્ટાન્ડર્ડ 4 સબ્જેક્ટ ઇંગ્લિશ ગ્રામર ચેપ્ટર નંબર 23 વર્બ્સ રિવ્યુ ઓફ કન્ટિન્યુ ટેન્સ. સો હિયર યુઝિંગ ધ પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુ ટેન્સ, ઇફ વી વોન્ટ ટુ ડિસ્ક્રાઇબ એન એક્શન દેટ ઇઝ હેપનિંગ નાવ, वी यूज द प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस. जो कार्रवाई जो क्रिया अभी हो रही है वो शोन करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का यूज करेंगे. वी फॉर्म दिस बाय यूजिंग एम इज एंड आर एंड एडिंग आईएनजी टू द बेस्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. हम प्रेजेंट कंटिन्यू के लिए एम इज और आर का यूज करेंगे और वर्ब के पीछे आईएनजी लगाएंगे. सो हियर सम एग्जांपल इज गिवन. सारा इज स्किपिंग. सो हियर सारा इज स्किपिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एम इज आर, आफ्टर देन वर्ब, आफ्टर देन आईएनजी. नंबर टू, David is kicking a ball. First of all, is plus ing, sorry, plus verb and then ing. Third one is Megan and Jen are playing hockey. So here Megan and Jen, there are two names, so R is using them. R प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. सो ये एग्जांपल्स हुए प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के. द नेक्स्ट टॉपिक इज यूजिंग द पास्ट कंटिन्यूस टेंस. पास्ट कंटिन्यूस, इफ वी वांट टू से व्हाट समवन वाज डूइंग, वी यूज द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब विद वाज और वेयर. हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में जैसे एम इज आर के बाद वर्ब में आईएनजी लगाते थे, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम वाज वेयर आफ्टर दैट वर्ब एंड आफ्टर दैट आईएनजी. वी यूज पास्ट कंटिन्यूस टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन फॉर सम टाइम इन द पास्ट. जब भी पास्ट की कोई एक्शन के बारे में हम बोलते हैं कि वो एक्शन किसी समय में हो चुकी है, सो उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे. The action was not completed. It was a continuous action. वो action अभी complete नहीं हुई है, इसीलिए हम उस action को continuous रखेंगे. So here we will start exercise A. Change the verb in the following sentences from the present to the past. हमें कुछ sentence दिए गए हैं जिसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में से पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, ही इज वियरिंग अ रेड स्वेटर. तो इज का वॉज हो गया, सो ही वॉज वियरिंग अ रेड स्वेटर. हियर सेंटेंस नंबर वन इज योर जैकेट इज ऑन द चेयर. यहाँ पे सेंटेंस में इज दिया गया है, इसीलिए हमको पता चलेगा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है. सो चेंज इट इन द पास्ट कंटिन्यूस टेंस. योर जैकेट वॉज ऑन द चेयर. नंबर टू इज ही इज स्माइलिंग एट द बेबी. यहाँ पे इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की शाइन है, सो हम इसे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करेंगे. ही वॉज
नंबर थ्री इज जॉन इज लुकिंग एट हिज वॉच, तो यहाँ पे इज का होगा वॉस, जॉन वॉस लुकिंग एट हिज वॉच। नंबर फोर इज मैरीज स्कर्ट इज ब्लू एंड व्हाइट, सो हियर इज की जगह पे आ जाएगा वॉस, सो द आंसर इज मैरीज स्कर्ट वॉस ब्लू एंड व्हाइट। सो आप देख सकते हो हमने सारे सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में से पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कन्वर्ट किया। सो हियर आवर एक्सरसाइज ए है कंप्लीटेड। आफ्टर कंप्लीटेड एक्सरसाइज ए वी विल गोइंग टू लर्न एक्सरसाइज बी। Look and write about this person. Use the words in the box to complete sentence. हमें इस person को देख के इसके बारे में लिखना है और जो box में words दिए गए हैं उसका use sentence complete करने में करना है। तो चलो पहले देखते हैं हमें box में कौन कौन से words दिए गए हैं। Skirt, jacket, eyes, bag, books, hair, teacher और smiling. So let's start. She's got brown blank and straight blank. Brown क्या होगी? उसकी आंखें. So here brown eyes and straight. Straight क्या होते हैं? उसके बाल. So straight hair. She's wearing a blanket or long blank. अभी उसने क्या पहना है? हम पिक्चर में देख सकते हैं पर्पल कलर का उसने जैकेट पहना है। यस सो शी इज वियरिंग अ जैकेट एंड अ लॉन्ग लॉन्ग स्कर्ट। यस तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्कर्ट। शी इज वियरिंग अ जैकेट एंड अ लॉन्ग स्कर्ट। थर्ड वन इज शी इज कैरिंग अ ब्लैंक एंड थ्री बिग ब्लैंक। तो पिक्चर में आप देख सकते हो उसके हाथ में क्या है? एक बैग है और कुछ किताबें हैं। सो शी इज कैरिंग अ बैग एंड थ्री बिग बुक्स। हमें पर्टिकुलर नहीं दिखाई दे रहा है कितनी बुक्स है लेकिन उसके हाथ में बहुत सारी बुक्स है। नंबर फोर वन इज शी इज ब्लैंक। I think she is a blank. अभी हमें बॉक्स में दो ऑप्शन बचे हैं। फर्स्ट इज टीचर एंड सेकंड वन इज स्माइल। तो हम यहाँ पे फर्स्ट ब्लैंक में शी इज अ टीचर नहीं लिख सकते हैं। शी इज स्माइलिंग एंड आई थिंक शी इज अ टीचर। सो हियर एक्सरसाइज बी हैड कंप्लीटेड। एक्सरसाइज सी में लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट अबाउट व्हाट सारा वाज डूइंग यस्टरडे। हमें यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं जो हमें देख के सारा ने कल कौन सी एक्सरसाइज की या कौन सा वर्क किया उसके बारे में लिखना है। सो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है At 8 o'clock she was brushing her teeth. 8 बजे सारा ब्रश कर रही थी। इसी तरह फर्स्ट पिक्चर में दिया गया है 10 बजे है और वो पिक्चर को पेंट कर रही है। यस सो हम क्या लिखेंगे? At 10 o'clock she was painting a picture. नंबर टू में 12 बजे है और वो लंच कर रही है। सो एट 12 o'clock शी वॉज हैविंग हर लंच या ईटिंग अ लंच। थर्ड पिक्चर में 4 बजे है और वो हॉकी खेल रही है। सो एट 4 o'clock
She was playing hockey. Yes. Number 4. 6 बजे वो book read कर रही है. So at 6 o'clock she was reading a book. Number 5. 9 बजे वो सो गई है. At 9 o'clock she was sleeping. तो आपको ये words नीचे दी गई हुई blank में लिखने हैं. So here our exercise C was completed. Thank you for joining us.